But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू देजी मेडिनेस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे थैनोस की बैक स्टोरी के साथ साथ ब्लैक ऑर्डर की बैक स्टोरी के बारे में। आप सभी जानते हो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की बैक स्टोरी थी, जो कि शूट होने के बाद डिलीट कर दी गई। बट अभी हाल ही में ये पता चला है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की जो स्क्रिप्ट थी, उसमें चिल्ड्रंस की भी बैक स्टोरी थी। थैनोस ने अलग अलग एलियन स्पीशीज को कैसे अडॉप्ट करा, जैसा कि आपने गमूरा का सीन देखा था, वो सीन डिलीट कर दिया गया, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया गया। बट फाइनली आपको डिलीट सीन एक्स्ट्रा देखने को तो मिल ही गए होंगे अब तक। बट उसमें साथ साथ ये भी पता चला कि थैनोस ने इन सब बच्चों को कैसे पाला, इनकी स्टोरी क्या थी, ये कहाँ से मिले, ये कौन से प्लेनेट से बिलोंग करते थे, और देन काफी सारी चीजें, नॉलेज फल जो भी था। बट डायरेक्टर ने ये सीन शूट भी नहीं करे और देन वो सीन स्क्रिप्ट से हटा दिए। यानी कि अगर आप एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की अगर इन फ्यूचर में स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, जैसा कि होता है हर मूवी की स्क्रिप्ट देखने को मिलती है इन फ्यूचर, तो आपको बैक स्टोरी देखने को मिलेगी चिल्ड्रंस की और थैनोस की तो आपको पता ही है। तो शायद क्या पता हमें एवेंजर 4 में इनकी स्टोरी देखने को मिले, क्योंकि अभी इनकी पांचवी बेटी भी तो आनी रह गई है, यानी कि सुपर जायंट। तो सुपर जायंट काफी ताकतवर है इन सभी से। और आपको क्या लगता है कि इन सभी की स्टोरी दिखाने के बाद क्या मूवी पे कुछ असर पड़ेगा, और सुपर जायंट कितनी ताकतवर होगी, अभी ये डिसाइड बिल्कुल नहीं है। तो गाइज आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखा, या तो उस पर बलचर के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ। Oh,